don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to. Hello everyone, this is me, Absar Ali, your online coach. And especially aap sabko रमज़ान मुबारक. रमज़ान का ये मुबारक महीना शुरू हो गया है एंड उम्मीद आप सब रोज़े रख रहे होंगे. तो आज मैं बैठे बैठे कुछ एक चीज़ बना रहा था, तो मैंने क्यों ना आपसे शेयर किया जाए. तो ये मैंने बहुत कम देखा है किसी ने वीडियो बनाई हो, और स्पेशली ये चाहिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, यूनिक भी है. लेट्स सी, मैं खुद ये लाइक ऑनलाइन पहली बार ट्राई करूँ. आई ट्राइड वंस बट उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो मैंने क्यों ना इस बार लाइव चैलेंज लिया जाए और आपके सामने बनाई जाए. तो गाइज, आज हम बना रहे हैं आपके लिए इस सबसे एक रबर. तो एक रबर इन कट पीस से बनाएंगे. लेट्स सी, आपको टेक्निक बताऊँगा किसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छी इस इन कट पीस के थ्रू अच्छी रबर बना सकते हैं. और कई लोगों के पास, प्रोफेशनल प्लेयर के पास ये चीज़ें जमा रह जाती हैं, लोग फेंक देते हैं, बट इसको आप अपने जूनियर्स के लिए एक अच्छा इक्विपमेंट इसे तैयार कर सकते हैं. और प्लेबल इक्विपमेंट होता है, लाइक मज़ा आएगा वो खेलने में. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल. अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ अभी नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब को दबाइए, वरना मैंने क्या वीडियो स्टार्ट नहीं करनी. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब और चैनल, देन वॉच द वीडियो. तो गाइस जब हम रबर काटते हैं, इतना पीस आगे बाकी रह जाता है, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ. टॉप एंगल से वीडियो बनाऊँगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इससे निकालना. सो गाइस कभी हम स्क्वायर बना तो दो रेक्टेंगल से मिलके एक स्क्वायर बन जाता है, तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इन किनारों से ये रेक्टेंगल निकाले जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से. ठीक है, तो एक से हमें चार रेक्टेंगल मिलेंगे. लेकिन जिन रबड़ पे यहाँ पर लोगोज आए होते हैं, ये जगह या सब ये झूला रबड़ है, सब ये जियो है, उसके यहाँ पर ये चीज़ ऊपरी हुई जगह है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे. इसमें से हमें जस्ट टू रेक्टेंगल ऊपर से मिलेंगे. सो गाइज कैसे करेंगे देखते हैं आप. तो गाइस रूलर और पेन की मदद से पहले इजीली एक लाइन लगा लेंगे, ताकि हम जो कटिंग करें वो बिल्कुल स्ट्रेट करें. ये दो कुछ तो स्ट्रेट लाइन लगाइए. ये देखें रेक्टेंगल, और हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, क्योंकि आपसे कई लोग भाई स्क्रैप होता है बट आप यूटिलाइज नहीं करते हो. तो गाइस जब इसको काटोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, एंड मैं ऊपर से भी आपको कुछ एक लुक इसे दिखा देता हूँ. यस, तो ऊपर से ये देखें ऐसे ये होगा, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे. गाइस जब कटिंग करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा इस तरह. कोई क्या सेम कलर की रबड़ हो, अच्छा इसके दो कलर तरीके हैं काटने के, मैं आपको दोनों आपको इजीली दिखा देता हूँ. अच्छा, एक तो सीधा से इसको काट सकते हैं हम लोग, कोई कहना स्ट्रेट काटें स्पॉन्ज और रबड़ एक स्ट्रेट उसमें कटे, वरना अक्सर बीच में रबड़ में गैप आ जाता है, तो गैप ये जाए थोड़ा अनटाइडी लुक आती है बैग की. अच्छा, और इसके साथ हम लोग छोटी कैंची लेंगे तो ज़्यादा क्लीन आएगा, और देखिए कुछ किनारे से कोई ऊपर नीचे अगर आ जाते हैं तो हम इस नाइफ से, लाजमी नहीं है आम नाइफ से भी, आपका आम सीधा से भी आप कर सकते हैं, बट मैं ये चूज़ करता हूँ सीधा, मुझे ज़्यादा ग्रिप करना ईजी होगा. यस, थोड़ा स्पंज को ये एडजस्ट करेंगे. क्या है ये रेडी है. अच्छा, इसके अलावा सेकंड तरीका हमारा ये है ब्लेड से, जो आपने देखा होगा करंटली वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई, हमारी रबर काटने की एक शॉर्ट्स वीडियो थी जिसमें आप, थैंक यू सो मच आप सबका, जिससे उसके अबाउट मोर देन 5K. ऐसे ब्लेड लेना है, कोशिश करें 7 o'clock जिलेट का ब्लेड लें, काफ़ी तेज़ होता है, तो वो लें, और उसके साथ ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इधर.
हेयर रिमूवर, ये आई इसको स्ट्रेटली बिल्कुल सीधा करके इसमें इंसर्ट करेंगे एंड ये इजीली स्लोली मूव करेंगे एंड ये रहते कटता जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सफाई थी इसे ये कटता। यस, इन वन टेक में ही रही है, रबड़ अभी कट गई। सो गाइस सारे काटते हैं और जब आप काटेंगे आपके पास कम से कम मैं रबर के पीस बता दूँगा कितने चाहिए। असेंबल करते हैं और आपसे मिलते हैं पूरे एक सेकंड के बाद। तैयार है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो तकरीबन 12 रबर के ये वो रेक्टेंगल हैं। तो इनमें आप कह सकते हैं कि ये कोई आपके 6 रबर से ये निकाले गए हैं, 6 रबर की कटिंग से। तो अट्रैक्टिव मैंने जिस तमाम ब्लैक और कुछ वालों रबड़, इसमें कुछ 79 और कुछ जूला, तो जूला के पीस मैं सेंटर में लगा दी, साइड में वॉलमो एंड फ्रेंडशिप के मैंने इधर लगा दिए। तो कह सकते हैं कि रैकेट में काफ़ी तरह की स्पिन आएगी, मज़ा आएगा और जिस तरह चाहूँ मैं खेल सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये रबड़ मैं लगाऊंगा अपने बादशाह कार्बन ब्लेड पे, जो मेरा स्पेशल कोचिंग ब्लेड है, लॉन्ग हैंडल मैंने अपने लिए किया हुआ है, इस पर एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसा मज़ा आएगा, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग नाउ एंड इसको पहले एक बैग रख लिया, उसी हिसाब से मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो इसके राइट साइड से मैं उठाऊँगा पहले एंड इसको इधर टेस्ट करूँगा, तो साथ में ग्लो करता जाऊँगा। और ये गाइस रिमेंबर कि ये थोड़ी क्लू थोड़ी ज़्यादा लगे, ताकि ये है कि गाइस पहले इसको ऐसे करके सैंबल मैंने करी है, ब्लू ड्राई हो गई थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर निकाला है, ताकि जब रबर कट करें तो बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन आए। तो कोशिश करेंगे देखिए गैप बिल्कुल ना है रबड़ में। आई थिंक वी आर डन विद इट। तो इसके साथ अब सेंटर वाले पीस की तरफ अब हम जाएंगे, इनकी तरफ। ये पहले 4 वाले पे इधर स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है, तो बेस्ट थिंग ये हमें इधर स्ट्रेट हम इधर रख के आगे ले जा सकते हैं। सो गाइस इस पर भी ग्लू करते हैं और मिलते हैं आपसे ग्लूइंग के बाद। कटिंग है मेन तरीका, ये कटिंग ब्लेड से करेंगे ताकि चीज़ की फाइन आए। उम्मीद है मज़ा आएगा आप लोगों को। वी आर यूजिंग ब्लेड टू कट द ब्लेड टू कट द रबर। Tonight.